नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा, आप देख रहे हैं पांच की आंच। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इस खास बुलेटिन में आज सबसे पहले बात होगी अयोध्या में उमड़े जन सैलाब की। बताएंगे सीएम मोहन यादव के किस बयान से चिढ़ गया है पाकिस्तान, और कांग्रेस को क्यों है बयान पर एतराज। कैलाश विजयवर्गीय की डिमांड की बात भी आज हम करेंगे। उन्होंने सिलेबस में राम मंदिर आंदोलन को शामिल किए जाने की मांग की है। एमपी में अफसर कैसे होते जा रहे हैं बेलगाम, ये भी बताएंगे। और बताएंगे सीएम की सख्ती के बाद इन अफसरों पर क्या कार्रवाई हो रही है। बात कूनों की भी करेंगे। जी हां, कूनों से आई खुशखबरी की भी बात आज होगी पांच की आंच में। लेकिन सबसे पहले हम बात कर देते हैं अयोध्या की, जहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दर्शन के लिए आम लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अब तक 2.5 से 3 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए हैं, और ये भीड़ आप देख सकते हैं, 3 लाख लोगों की भीड़ जो अभी भी इंतजार कर रही है कि बस कब दर्शन मिल जाए। भक्तों को बिना परेशानी दर्शन हो, इसके लिए कवायद लगातार जारी है। दूर दूर से लोग रामलला की एक झलक, मात्र एक झलक पाने के लिए अयोध्या आए हुए हैं। सीएम योगी हेलीकॉप्टर से अयोध्या में भीड़ का जायजा भी ले रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए उमड़ती भीड़ के चलते राम पथ पर वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। लोगों को सिर्फ पैदल चलने की इजाजत है। सुबह से ही राम मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ जमा होने की बात सामने आई। बताया गया कि कुछ लोग रात से ही दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं, अभी तक उनको दर्शन नहीं हो पाए। राम मंदिर परिसर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को रोकने के लिए रस्सियां लगाई गई हैं, ताकि एक एक करके भक्तों को रामलला के दर्शन हो सकें। ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस के लिए भीड़ को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। 3 लाख लोगों की भीड़, 3 लाख लोग एक जगह पर, और रामलला के दर्शन के लिए यहाँ पर श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं, काफी दूर से। कोई पैदल चलकर आया है, तो कोई पूरी टीम लेकर पदयात्रा निकालते हुए कई किलोमीटर दूरी जो है ये सफर तय करके यहाँ पर पहुंचा है। भजन कीर्तन करते हुए श्रद्धालु यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन के सामने चुनौती है कि कैसे मैनेज करें। हालांकि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे कर रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, और जानकारी भी ले रहे हैं कहां कितनी ज़्यादा भीड़ है। अभी मौजूदा समय में वाहनों को अंदर तक जाने की इजाज़त नहीं है, पैदल चलकर ही आप जा सकते हैं अंदर तक। और एक सीमा तय कर दी गई है कि वाहनों की पार्किंग के बाद ही आप पैदल मंदिर तक जा पाएंगे। तो अयोध्या में हवाई सर्वेक्षण के बाद सीएम योगी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि एक एक कर दर्शन करें। बिल्कुल, और अनुमान से ज्यादा भीड़ पहुंच जाने पर हालात थोड़े से बेकाबू हो गए हैं। पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अपील आपने सुनी, जनता से अपील कर रहे हैं कि आप हालात कंट्रोल में रखा जाए, एक एक करके प्रभु श्री राम के दर्शन करिए। बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सभी को दर्शन होंगे। पुलिस प्रशासन आपकी मदद करने में लगा हुआ है। अनुमान से ज़्यादा भीड़ पहुंच जाने पर थोड़े से हालात बेकाबू हो गए हैं। पुलिस प्रशासन को थोड़ी सी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी है भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए, क्योंकि भीड़ का पहुँचना इतनी बड़ी संख्या में, करीब 3 लाख लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। और अब बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उस बयान की, जिसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। सीएम ने
सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अखंड भारत की बात कही और इस पर पाकिस्तान ने तो विरोध जताया ही, कांग्रेस भी आपत्ति दर्ज करा रही है। सीएम का बयान क्या है और उस पर क्यों मचा है बवाल, आइए आपको दिखाते। परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे, सिंध पंजाब बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत कोई बने। सीएम मोहन यादव के इस बयान पर पाकिस्तान में हड़कंप है। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा था कि हिंदुस्तान के खंडित होने पर पाकिस्तान बना है, परमात्मा करेगा तो आज नहीं तो कल हम फिर से देश को एक करेंगे, अखंड भारत बनाएंगे। सीएम के इस बयान से पाकिस्तान चिढ़ गया है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी कर विरोध जताया है। देश में भी इस बयान को लेकर सियासी बयानबाजी हो रही है। सीएम मोहन यादव के बयान पर किसने क्या कहा, ये जानने से पहले आइए सुनते हैं वो बयान जिसमें सीएम ने अखंड भारत का किया था आह्वान। प्रकार से जो 47 में हमारे हाथ से सिंध का जाना हुआ, पंजाब का बंटना हुआ, पाकिस्तान का बनना हुआ, हिंदुस्तान को खंडित होना हुआ, परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे, सिंध पंजाब बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत कोई बने। हमारी सबकी कामना परमात्मा ननकाना साहब हमारी आंखों के सामने हो, ये समय हमारे सामने आए। हम सब आज के अवसर पर भगवान राम के मंदिर का बनना ये हमारे लिए निश्चित रूप से अखंड भारत की दिशा में एक बड़ा कदम हो, ये परमात्मा की इच्छा है। इस बयान पर पाकिस्तान की आपत्ति पर सीएम ने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लाख आपत्ति जताए लेकिन विस्थापित शरणार्थियों के आने से पहले अखंड भारत की था। अतीत के अखंड भारत के हिस्से को लेकर आज भी पंजाब सिंध गुजरात मराठा हमारे राष्ट्रगान में है। आपत्ति करने से बात समाप्त नहीं हो जाएगी। पाकिस्तान लाख आपत्ति जताई, हम सब जानते हैं कि सिंध से जो विस्थापित लोग यहाँ आए, शरणार्थी आए, उसके पहले तो अखंड भारत था ही। तो ननकाना साहब सहित जो हमारे अपने अतीत के अखंड भारत के हिस्से अगर रहे उनको लेकर के, तो हमारे लिए आज भी हमारा राष्ट्रगान में हम पंजाब सिंध गुजरात मराठा सिंध को अलग थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उस अवसर पर हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल से रहा है, तो कोई के आपत्ति करने से वो बात समाप्त तो नहीं हो जाएगी, वो तो अपनी जगह स्थायी रहेगी। सीएम मोहन यादव के इस बयान पर पाकिस्तान को मिर्ची लगी ही है। कांग्रेस ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सीएम को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के अखंड भारत और उसमें अफगानिस्तान तक को छूने की सीमा वाले बयान पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का बयान आना दुखद है और यह भी सच है कि डॉक्टर मोहन यादव साहब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव नहीं। उन्हें मध्य प्रदेश की सीमाओं में रहकर अपनी बात करनी चाहिए। कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि मोदी के राज में कुछ भी असंभव नहीं, जैसे मंदिर बना, धारा 370 और 3 तलाक हटा, ये सपना भी पूरा होगा। मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि परमात्मा चाहेगा तो एक न एक दिन अखंड भारत बनेगा। अब कांग्रेस सवाल उठा रही कि अखंड भारत बन नहीं सकता, भाजपा झूठे सपने दिखा रही। अरे मोदी जी और भाजपा की सरकार जब से देश में बनी कुछ भी असंभव नहीं, हर सपने को पूरा करने का काम मोदी सरकार ने किया है। देशवासी ने जो सपना देखा, जो चाहा, उसे पूरा करने का काम किया है। हम कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे तो कांग्रेस कहती थी तारीख नहीं बताएंगे, हमने तारीख भी बता दी, 22 तारीख। हम कहते थे धारा 370 हटाएंगे तो ये कहते थे सपने दिखा रहे, हमने हटा के बता दी। हम कहते थे 3 तलाक हटाएंगे, जब भी ये स्वीकारते नहीं थे। तो जो जो कहा है भाजपा ने उसको पूरा करके दिखाया। यदि मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो देश में मोदी जी की सरकार है, हर संभव काम को संभव करके दिखाती, एक न एक दिन भारत अखंड भारत बनेगा और जो हर भारतवासी का सपना है वो पूरा होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई हस्तियां अखंड भारत की बात कह चुकी हैं और अब मोहन यादव ने भी अखंड भारत की अलख जगाई है। सीएम के बयान पर सियासी घमासान छिड़ा है, पाकिस्तान तो विरोध जता ही रहा है, कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर देश भर में उत्सव का माहौल है, मध्य प्रदेश भी झूम रहा है। इस बीच प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि के लिए कई राजाओं और लोगों ने बलिदान दिया, इसकी जानकारी युवा पीढ़ी को होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि का इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राजा रणवीर सिंह 10,000 सेना के साथ राम जन्मभूमि को बचाने के लिए गए थे, लेकिन बाबर की विशाल सेना के कारण वो सारे मारे गए। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को राम मंदिर का इतिहास पढ़ना चाहिए। से लंबा, मैं आज की युवा पीढ़ी को यही कहूंगा कि ये राम जन्मभूमि पे आज भगवान राम का प्रवेश हुआ है, इसका इतिहास सबको पढ़ना चाहिए। हम कोशिश भी करेंगे इसको शिक्षा में समावेश करें, क्योंकि इस पे बहुत लोगों का बलिदान हुआ, मतलब राणा रणविजय सिंह जी से लेके कोठारी बंधु तक, इससे श्रृंखला अगर हम देखें तो लाखों लोगों का बलिदान। तो राम मंदिर को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मांग का कांग्रेस ने समर्थन किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने कहा कि पाठ्यक्रम में जो कहानी शामिल हो उसमें सभी तथ्यों को रखा जाए, पाठ्यक्रम में बीजेपी आरएसएस का भी महिमा मंडन ना हो। निश्चित रूप से किया जाना चाहिए, स्वागत योग्य उनका विचार है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें कहीं ऐसा ना हो कि कैलाश वर्गी की जो मंशा दिखाई दे रही कि इसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को महिमा मंडित किया जाए। राम जन्मभूमि का जो आंदोलन चला उसमें वस्तु स्थिति पूरी बताई जाए, किस तरह राजीव गांधी जी ने मंदिर के पट खुलवाए थे, किस तरह तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह जी ने शिलान्यास किया था विश्वेंदु परिषद के साथ, किस तरह शंकराचार्य ने भी दिशा निर्देश दिए थे कि धार्मिक सब जो रीति रिवाज उसके अनुसार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाए, सब चीजों की वास्तविकता बताते हुए इसका पूरा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। मतलब कुल मिला के सीधी बात है, अगर पाठ्यक्रम में आप शामिल करते हो सत्यता जो है पूर्णता बतानी जानी चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को महिमा मंडित करते हुए पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं ये पूरा मामला क्या है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है इसको लेकर। उनका कहना है कि सिलेबस में राम मंदिर के आंदोलन के बारे में युवा पीढ़ी को पढ़ाया जाना चाहिए, युवाओं को बलिदान की जानकारी होनी चाहिए, ये मंत्री ने कहा। राम मंदिर का इतिहास पढ़ना चाहिए आज के युवा को। कांग्रेस ने सशर्त समर्थन भी दिया। पाठ्यक्रम में रखे जाए तथ्य, कांग्रेस ऐसा करती है। कांग्रेस ने ये तक कह दिया कि बीजेपी और संघ का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए इसमें, यानी कि समर्थन तो कांग्रेस पार्टी ने दिया ही, लेकिन कहा कि बीजेपी और आरएसएस का महिमा मंडन इसमें नहीं होना चाहिए।